हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गोविंद दास में आप सभी का स्वागत है। आज डिवोशनल वाला स्टोरीज में हम जानेंगे कि कैसे हम आसमान से अर्थात स्काई से बहुत अच्छा कोई शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। आसमान असीमित रूप से चारों तरफ विस्तारित है, अनलिमिटेड स्काई। इसमें कुछ एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंसेस होते हैं जहां पे वायलेंट स्ट्रोम्स होता है, फिर टॉर्नेडोज होते हैं, पर इतना कुछ होने के बाद में भी कभी भी आसमान इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। आसमान को देख के हमको अपने जीवन में शिक्षाओं को लेना है कि हमारे जीवन में भी बहुत प्रकार के ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे डिस्टर्बेंस होगा। कभी शायद सूरज की किरण बहुत सुंदर रूप से प्रज्वलित हो, सब हरा भरा एकदम सुंदर हो जाए, आप बहुत फ्रेश फील करें, और कभी ऐसे टर्बुलेंसेस आएंगे, थंडरस्टॉर्म आएगा, आपको पूरा घुमा के रख देगा, आपके चिंता को आपके बुद्धि को 360 डिग्री पूरा घुमा देगा, थिंग्स विल गो लाइक आउट ऑफ द प्लान। तब आप क्या करोगे? तब आसमान को देख के आपको यही शिक्षा को ग्रहण करना है, जैसे अवधूत ब्राह्मण इसको ग्रहण करके इस शिक्षा को लेके जीवन में सुखी है कि हमको सभी सिचुएशन परिस्थितियों के अंदर रह के भी अनटच्ड रहना है, अनअफेक्टेड रहना है उसके द्वारा। हो सकते हैं ये हमारे जीवन के अंग हो और इसको हमको भोग करना पड़ रहा है, जो हमको कष्ट प्रदान कर रहे हैं वो हमारे पूर्वकृत कर्म का फल है, इसको मान के हमको आगे बढ़ना है और इसके द्वारा प्रभावित नहीं होना है। तो अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, तब निश्चित रूप से हमारे साथ अच्छा ही होगा। अगर शायद पहले हमने कुछ खराब बुरा किया है तो उसके बुरे कर्मों का फल ही सिर्फ हमको मिल रहा है। तो इस ज्ञान को ग्रहण करके हमको अच्छे विषयों के प्रति ज्यादा से ज्यादा आकृष्ट रहना है और उस कर्म को आगे करके लोगों को भी अनुप्राणित करना है अच्छे काम को करने के लिए। तो ऐसे ही हम आसमान से इतना अच्छा शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और इसको लेके अपने जीवन को बहुत ही निर्मल पवित्र रख सकते हैं और बिना अफेक्टेड हो सकते सिचुएशंस को बाहर के देख और सभी विषयों के अंदर में भी रह के उसके प्रभाव को कभी भी अपने अंदर हमको नहीं ग्रहण करना है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए ना क्यों। हमको हर समय सोच यही रखना है कि जैसे आसमान में इतना कुछ होने के बाद में भी वो इसके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है, वैसे ही हमको भी प्रयास करना है। जो हमारा यह देह खिति अवतेज मरुद्भम पांच ये जो भू करके वस्तुएं हैं और मन बुद्धि अहंकार को लेकर धारण किया हुआ है, तो इसमें भी कुछ उसके जैसे गुण तो रहना ही चाहिए। तो ऐसे ही इस अच्छे गुण को हमको देखना है और बिना दर जगत के भयंकर परिस्थितियों के प्रभाव को जीवन में धारण करते हुए हमको अच्छे विषयों को चिंता करके जीवन में आगे बढ़ना है। सभी धन्यवाद। हरे कृष्णा।